बहुत दिनों पुरानी बात है, एक जंगल में चींटियाँ और एक टिड्डा राह करते थे। एक बार की बात है, जैसे ही पतझड़ का मौसम समाप्त होने वाला था, चींटियों का एक परिवार भोजन, लाठी और सूखे पत्ते इकट्ठे करने में व्यस्त था। टिड्डा दूर से देख रहा था कि चींटियाँ अपने काम में बहुत ही व्यस्त नजर आ रही। वहीं टिड्डा पास में धूप सेक रहा था। उसके मन में एक विचार आया और वह टिड्डा वहाँ चला गया। उसने चींटियों से पूछा, इतने अच्छे दिन पर तुम क्या कर रही हो? इस पर चींटी ने जवाब दिया, हम ठंड के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको कुछ खाना भी स्टोर करना चाहिए। चींटी की बात सुनकर टिड्डा हंसा और वहाँ से चला गया। वह सूरज और तितलियों के पीछे भागने लगा। जैसे जैसे चींटियाँ चढ़ती रही, वैसे वैसे दिन बीतते गए, जबकि टिड्डे ने सुस्ती में ऐसे ही दिन बिताए। एक सुबह टिड्डा एक ठंडी सुबह के लिए उठा और जमीन बर्फ से ढकी हुई। टिड्डा भोजन की तलाश में उछल पड़ा और उसे कुछ नहीं मिला। उसे भूखे ही अपना पूरा दिन गुजारना पड़ा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगा कि चींटियाँ सही थी।